बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं फ्रेंड्स आप लोग? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। और आज मैं आपको रूटीन दिखाऊंगी अपनी। ये तो मुझे तकरीबन 4 साल ही हो गए इस तरह जागते हुए, और सुबह हो जाती है, फजर हो जाती है, कभी सुबह के 11 भी बज जाते हैं। तो ये है कि ज़ैनब की फीडर्स भी सारी जमा हो गई हैं, और ज़ैनब तो अभी तक जाग ही रही हैं। इतने में मैं इनकी फीडर्स उबालूंगी, और ज़ीशान भी इतनी देर में जाग चुके हैं और नमाज फ़जर अदा करेंगे। उधर मैं भी नमाज वग़ैरह पढूंगी, उसके बाद मैं आगे की आपको रूटीन दिखाऊंगी कि किस तरीक़े से ये हमारी रोज़ की ही तकरीबन ये रूटीन होती है। ज़ैनब, ज़ैनब आंखें सही करो। अभी तो सही थी आंखें। सर्दी लग रही है, मौसम कितना प्यारा हो रहा है। ज़ैनब, ज़ैनब बीबी मेरी प्यारी बेटी, मेरे दिल का टुकड़ा, मेरी जान का टुकड़ा। ज़ैनब बीबी मेरी प्यारी बेटी, मेरे दिल का टुकड़ा, वो मेरी जान का टुकड़ा टुकड़ा। दर्दिका ते पाले कपे कहने पहने में बच्ची ने शहजादी लग ली है। तो जनाब, ये ज़ैनब के साथ तो मैं खेल कर आ गई हूँ, और ज़ैनब जो है वो काफ़ी मुझसे ज़्यादा इंटरटेन कर देती हैं। सोती तो है नहीं वो, आप ज़ाहिर है 1 घंटे की उसकी नींद है, फिर वो उठ जाती है, फिर 2 घंटे सोती है, फिर उठ जाती है, क्योंकि उसके सर में जो पानी की थैलियाँ हैं उस वजह से उसको दर्द की शिद्दत होती है, तो फिर उसको मुझे गोद में लेके बैठना पड़ता है। अक्सर करके मैं जाग रही होती हूँ तो ज़ीशान को नाश्ता देती हूँ, कभी सो भी जाती हूँ, कभी आँख लग जाए तो ये है कि ज़ीशान कभी खुद भी कर लेते हैं। वैसे ज़्यादातर मेरी कोशिश यही होती है कि ज़ीशान का नाश्ता मैं खुद ही बना कर दे दूँ। उसके बाद तो आपको मैंने अपनी पहली वीडियो में भी दिखाया था कि हम लोग कलौंजी खाते हैं सुबह नाश्ते से पहले, और कलौंजी के फ़वाद तो आपको पता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि कलौंजी में हर मर्ज़ का इलाज है सिवाय मौत के। और मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि आप लोग कौन कौन कलौंजी खाते हैं, और नहीं खाते तो प्लीज़ कलौंजी को अपनी आदत बना लें। बस ये है कि आप लोग सुबह उठ के ज़रूर लाजमी एक चुटकी कलौंजी खा लिया करें। अल्लाह हाफिज कह दो बाबा को। अल्लाह हाफिज कह दो। अल्लाह हाफिज। मोबाइल ले लिया ज़ीशान? हाँ मोबाइल भी ले लिया। अल्लाह। बारिश का मौसम लग रहा है आज। बेटा ये टैबलेट आप लोगों ने यहाँ रख दिया, ये चार्ज पे तो लगाओ। तस्बीह भी यहीं रख दी, तस्बीह तो उठाओ, जगह पे रखा करो। कितनी बार बोला है चीजें जगह पर रखा करो।
लहू क्या साफ, लहू तक क्या मुझे उठा के दो ईशा। ईशा तक ही उठाओ बेटा, कमरे में रख कर आओ। अब जीशान ये कि शॉप पर जा चुके हैं और हम लोग भी नाश्ते वगैरह से फारिग हो गए हैं। नाश्ते से फारिग होने के बाद घर को समेट लिया हमने ताकि हेल्पर आए तो वो आराम से झाड़ू वगैरह दे ले। लेकिन इंतज़ार करते करते 4 बज गए। पड़ोस में पूछवाया तो उन्होंने बताया कि उनके पास फ़ोन आया है कि हेल्पर की तबीयत सही नहीं है और वो आज नहीं आएगी। वैसे तो वो बेचारी छुट्टी करती नहीं है, ज़्यादा मजबूरी होती है तो वो छुट्टियाँ कर लेती है। मजबूरन हमें झाड़ू उठानी पड़ी और घर की अब सफाई करेंगे बच्चियों के साथ मिलकर। तमाम घर की मुझे सफाई करनी है, एक तरफ डॉक्टर भी बनना पड़ता है तो दूसरी तरफ कभी कभी मैड भी बनना पड़ जाता है। तो ये है कि हर किरदार को वह उसने खूबी निभाना पड़ता है तभी एक घर चलता है। तो बस यही है कि अब सफाई वगैरह मैं कर रही हूँ और फिर इसके बाद हम खाना वगैरह खाएंगे क्योंकि मासी जो है 4 बजे तक आती है और अब 4 से ऊपर का टाइम हो जाएगा सफाई करते करते, फिर हम खाना वगैरह खाएंगे। और एक बात आप लोगों से फ्रेंड्स मुझे ये कहनी थी कि जिस तरह आप लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं, आप लोगों के इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स आ रहे हैं और उसमें आप लोग ज़ैनब को इतनी बेपनाह दुआओं से नवाज रहे हैं, इतनी मोहब्बत है आप लोगों की हम तक पहुंच रही हैं, हमारे दिल से आपके लिए बेपनाह दुआएँ निकल रही हैं। और आप लोगों को भी अल्लाह ताला बहुत सारी खुशियाँ दे, जो लोग औलाद से महरूम है अल्लाह ताला उन्हें साहिब औलाद करे और जिनके पास औलादें अल्लाह ताला उनकी औलादों को नेक और सवाले बनाए। और आपकी मोहब्बत होगा हमारे साथ इसी तरह उन रहा तो इंशाल्लाह हमारा ये मुश्किल सफर ना आसानी में बदल जाएगा। अपनी बुक्स बेटा बैग के अंदर रखो। ये बुक्स खराब हो जाएंगी आपके, इस तरह आप रखोगे ना बेटा ये खराब हो जाएंगी, इनके सारे कवर चढ़ाए हुए। चलो चलो मांस जगह पे रख कर आओ बेटा। जैसा कि मैंने आपको बताया जहल पर नहीं आई है और मुझे जो है ये काम करना पड़ रहा है, अक्सर कर ही लेते हैं, संडे को भी हम लोग सफाई करते हैं, लेकिन इस तरह की जब छुट्टी हो जाती है ना तो फिर ये कि मैनेज करना पड़ता है ज़ैनब के साथ साथ सफाई को भी, खाना पकाना, क्योंकि मैं कहाँ बाज़ार के खाने से अवॉइड करती हूँ, ज़्यादातर मेरी कोशिश यही होती है कि घर में ही खाना बने। तो अब ये सब आपके सामने है, बच्चियाँ भी मेरे साथ लग जाती हैं, इनको मैं मना भी करती हूँ लेकिन ये मेरे साथ साथ लगी रहती हैं। और ये है कि जीशान भी कहते हैं कि इनकी नज़रों में भी काम आना चाहिए तो फिर ये बच्चियाँ मेरे साथ लगी हुई हैं आज। चीज लेने जा रही हूँ मैं, तो जूस बना रही हूँ आम का, जल्दी से आओ, जल्दी आओ। चले भाई लोग तो जा रही हैं। ईशा एक छाली ले आना अगर मिले तो। नहीं नहीं कोई सी अच्छी सी बस ऐसी, वो कभी कभी दिल से आता है खाने को। ठीक है जल्दी आना बेटा, एक आना लिफ्ट में जाओ। जूस वूस बन रहा है, लोग आ गए। आपके लिए तुम तो मुझे पूरा टपोरी बना दो भाई, आपको
अरे यार टेंशन में खा लेता इंसान, और तुम चीज लिए क्या? ये पापड़ों की आदत बहुत बुरी है। ऐसा कैफे क्यों लाई हूँ? मेरे लिए तो नहीं लाई ना। हाँ मैं जूस निकाल दूँ। मैं चलो मैं आप लोगों के अभी पीने, रात में अभी पी लो, रात में बेटा बहुत हो जाता है। बाबा को तो फर्क हो तो कि दोनों में लड़ाई हो जाती है। अंदर आ जाओ, बैठ जाओ, बताओ जूस पी लो, अपनी चीजें हैं। परीक्षा कहाँ है? आनिया भी आई है, खेल रहे हो? अम्मी ठीक है आपकी? और बाबा? बच्चियों को भी जागना पड़ता है, क्या कर रही है क्या नहीं कर रहे ये लोग। बस ये सारे टाइम ऐसा होता है कि यहाँ पर माशाल्लाह सारे बच्चे जो है खेल रहे होते। कहाँ भाग गए थे? अंदर आओगे? चलो तुम लोग खेल रहे हो, अगर ये अंदर है तो क्या हुआ? तुम्हारी फ्रेंड्स कहाँ हैं? आजू विरीशा ऐसे ऐसे आ जाओ। लो बेटा एक प्लेट लेके चलो। सुन ये हमारा खाने का टाइम हो गया है। खाने अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? ये भी है करता हूँ आपके सामने खाना खाते हुए। समाचार बच्चे वो देखे अपने बाबा के लिए, बस ये दीवानी है अपने बाबा की। बेटियां तो वैसे ही बहुत मोहब्बत करती हैं बाप से, माँ से भी करती हैं। बहुत अच्छी दाल बनी है तुम्हारे पास? अच्छी बनी है, नमक तो तेज नहीं है, बिल्कुल सब सही है। तुम भी आ जाओ ना।
यार मैं जैनब को देख लूँ ना फिर मैं जैनब को डकार दिलाकर आ रही हूँ। फीटर दिए ना उल्टी कर देगी वरना। ठीक है आप लोग खाओ इतना, यहाँ पे लोग खाना खा रहे हैं। ठीक है ये हमारी रात की रूटीन है। जैन आपका वो जूस बना दिया मैंने आम का। ठीक है अभी कौन दे रहा है, मैं बोली हूँ रात का बना के मैंने अभी से रख दिया। ठीक है चले भाई आवाज दो हमको जैनब। आम खाओगी? आम खाओगी तो मुंह चला के दिखाओ फिर मुझे पता चल जाएगा जैनब आम खाएंगी। जैनब दिखाओ मुंह चला के दिखाओ आम खाओगी तो जल्दी से मुंह चला के दिखाओ जल्दी इशारा दो मुझे बताओ आम खाना है मुंह चलाओ मुंह चला के दिखाओ। अच्छा फिर दोबारा मुंह चला के दिखाओ तेज तेज आम खाना है तो हाँ खाना है खाना है आम खाना है वही खाना है। जैनब के लिए आम लेकर आऊं आम खाएगी मेरी गुड़िया रानी। अल्लाह इसके नाना को भी आम बहुत पसंद थे। हाँ नाना अबू भी बहुत शौक से खाते थे आम। हाँ देखो भाई मुंह चला रही है जैनब अभी ला रही हूँ आम अभी ला रही हूँ। ठीक है अम्मा आम लेकर ला लिए। ठीक है इसके दिखाना एक बार और पाली पाली अच्छी। चलो भाई जैनब आम खाएंगी। आम तो खत्म हो गए। कौन खा गया उसके आम खा गए भाई। ईशा खा गई लग रहा है ईशा आप ही खा गई। ईशा तुमने आम खा लिया इसके? मुझे भूख लगी मैंने खा लिया। अब क्या होगा? ईशा ने क्या किया ये सोच में डूब गई। खा गया इसके आम ईशा ने खाए मम्मा पता है? अब क्या होगा बेचारी बच्ची क्या खाएगी ये तो कोई बात ही नहीं हुई। इसका मुँह चल रहा है देखो।